नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। सगमा प्रखंड मुख्यालय स्थित सेंट्रल बैंक सगमा के समक्ष सोमवार को बैंक ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों को देख बैंक मैनेजर धनंजय कुमार दोबारा बैंक में ताला बंद कर बैंक से चले गए। इधर बैंक ग्राहक उर्मिला देवी, अनीता देवी, सुषमा देवी, मुनी देवी, राजेंद्र पासवान, बबलू कुमार, देवचंद यादव, रामेश्वर यादव, असलम अंसारी, सुरेश राम, कामेश्वर राम, जूनू संसारी, रामाशंकर विश्वकर्मा, मंगल विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने बताया कि बैंक मैनेजर नशे में धुत होकर बैंक में आते हैं। वो जमा निकासी करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ हमेशा अधर्म व्यवहार करते हैं। इसका विरोध करने पर बैंक मैनेजर दोबारा धमकी दिया कि हंगामा करोगे तो मुकदमा दर्ज कर फंसा देंगे। जबकि ग्रामीणों ने इस बैंक मैनेजर से बाध्य होकर सगमा वीडियो सहित गढ़वा उपायुक्त से किया गया, लेकिन अभी तक मैनेजर के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। ग्रामीणों ने उपायुक्त महोदया व बैंक के वरीय पदाधिकारियों से मांग किया है कि इस मैनेजर को इस बैंक से हटाते हुए दूसरे मैनेजर को पदस्थापित किया जाए ताकि हम गरीबों को जमा व निकासी करने में सहूलियत हो। ग्रामीणों ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस बैंक मैनेजर को नहीं हटाया गया तो वह उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। इस संबंध में पूछे जाने पर सेंट्रल बैंक सगमा के मैनेजर धनंजय कुमार ने कुछ भी बात बताने से इनकार कर दिया। धन्यवाद।